नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2020 में बिहार की राजनीति वाकई बेहद दिलचस्प हो गई है। अब से कुछ महीनों बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और बिहार का राजनीति घटनाक्रम जिस तरह से तेजी से बदल रहा है उसमें बहुत कुछ दिलचस्प दिख रहा है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जो अपने बयानों की वजह से लगातार सुर्खियों में रहे हैं, उनके बयान पर खूब विवाद हुए हैं। उन्होंने चुप्पी साध ली है। गिरिराज सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग बीजेपी की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान ने की है। दूसरी तरफ जो गिरिराज सिंह अपने बयानों के लिए और जो उनका अंदाज और मिजाज है जिसके लिए वे जाने जाते रहे हैं, वो गिरिराज सिंह चुप्पी साध लेते हैं। कल गिरिराज सिंह से पटना में कई सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों पर गिरिराज सिंह ने चुप्पी साध ली। तो देखिए कैसे गिरिराज सिंह से जो सवाल पूछे गए, गिरिराज सिंह सवालों से बचते नजर आए और चुपचाप गाड़ी में बैठकर निकल लिए। तैयार भेजा जाए कि नहीं उन्हें? कानून अपना काम कर रहा है, कानून तो काम कर रहा है, लेकिन अभी तक वो आजाद घूम रहा है, अभी तक पकड़ा नहीं गया है। चिंता न करें, प्रक्रिया से। अमानतुल्ला खान भी है, अमानतुल्ला खान भी है, जो भी दोषी होंगे। दादा, ये अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, लगातार 42 लोग मारे जा चुके हैं। महाराष्ट्र में 5% मुस्लिमों के दादा पासवान, चिराग पासवान ने बिहार पर सवाल उठाया कि नीतीश कुमार का नालंदा ही जो है वो वहाँ डेवलपमेंट 100% नहीं हो पा रहा है। तो आपने सुना, चिराग पासवान को लेकर भी गिरिराज सिंह सवाल पूछे गए, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। कई दूसरे सवाल पूछे गए, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। और जाहिर है इसके मायने ये निकाले जा रहे हैं, इसके संकेत ये निकाले जा रहे हैं कि कई चीज़ों को लेकर बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच तल्खी बढ़ती नजर आ रही है या फिर दूरी बढ़ती नजर आ रही है। वैसे में गिरिराज सिंह का बयान एनडीए को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उनको चुप रहने की नसीहत दी गई है या फिर उनको चुप रहने को कहा गया है और वो समझौता होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि गिरिराज सिंह सवालों पर चुप्पी साध लेते हैं, ऐसी तस्वीर सामने आई है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचें। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।